निवाड़ी जिले के गांव ढलियावास में हुई महिला सरपंच के साथ बदसलूक व मारपीट मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी न होने से गुस्साए सरपंचों का एक प्रतिनिधि मंडल आज उपयुक्त पंकज से मिला और तुरंत कार्यवाही की मांग की। जिला सचिवालय में खड़े इन सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत में आने वाले भक्ति नगर का रहने वाला एक युवा जो कि निजी कंपनी में नौकरी करता है, वह सरपंच घर फर्जी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कराने के लिए आया था। इस साइन कराने से सरपंच ने मना कर दिया। इसके बाद वह दोबारा 2 लाख का इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज साइन कराने आया। सुबह 8 बजे मैं दूध लेने के लिए गया था, मैडम घर पर अकेले थी, वो साइन करवाने के लिए आ रही इनकम टैक्स, वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, वो साल के 15,000 रुपये लिख कर आया था। मैडम ने उसको मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि साल के 15,000 तो आज तक बोले। क्या नाम? डालियावास सरपंच। आज क्यों आए आज? सर यहाँ पे डीसी साहब को हम भी विज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं क्योंकि 19 तारीख को मेरे साथ एक हादसा हुआ था। एक बंदा मेरे पास सिग्नेचर करवाने आया कैलाश चंद नाम का, मैंने उसको सिग्नेचर करने से मना कर दिया था क्योंकि वो 15,000 रुपये सैलरी पे सिग्नेचर करवाना चाहता था। मैंने उसको मना किया कि इनकम उसकी बहुत ज्यादा है, 20,000 रुपये सैलरी है उसकी मंथली।